Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today's special chicken kebab. तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 grams of chicken का खीमा. उसमें हम ऐड करेंगे 1 medium size onion और chopped coriander. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 tablespoon of मिर्ची पाउडर. आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो. 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर. अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर. फैट्स के लिए हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बटर. बटर डालने से हमारी कबाब की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है. सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एकदम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है. अब हम इसके कबाब्स बनाएंगे. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है हाथ में और इसके हम आपको जो शेप चाहिए उस शेप में आप कबाब बना सकते हो. एक डब्बे में मैंने बटर पेपर लगा दिया है, उसमें हम सारे कबाब को ऐसा बनाकर स्टोर करके रख देंगे. आप चाहे तो ऐसे कच्चे कबाब को 2 से 3 दिन तक अपने डीप फ्रीज में रख सकते हो. जब आपका दिल चाहे आप इसे निकाल के फ्राई कर सकते हो. ये देख सकते हो आप. अभी मैं उसके ऊपर फिर से एक बटर पेपर लगाऊंगी और बाकी के कबाब मैं ऊपर लगा दूंगी लाइन से. आप देख सकते हो मेरे सारे कबाब रेडी है. अब मैं इसे ढक्कन लगा कर फ्रीज में रख दूंगी. अब मैं इसे 2 घंटे के बाद फ्राई करूंगी. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 फ्राई कर लिया था. अब मैं ऑयल लूंगी. हमें ज़्यादा भी ऑयल नहीं है, हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इसे शैलो फ्राई करना है. तो तेल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कबाब. एक साइड से 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद हमें इसे टर्न करना है. फिर हमें दूसरे साइड से और 4 से 5 मिनट तक इसे तल लेना है. यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कबाब थोड़े रेडिश हो चुके हैं. अब मैं इसे ऐसे साइड में लगा दूंगी और दूसरे बैच को तलने डाल दूंगी. ऐसे साइड में लगाने से इसका जो भी ऑयल है वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सेकेंड बैच ऐड कर लिया है.
अब हम हमारे कबाब का पूरा ऑयल ड्रेन हो चुका है, अब हम उसे निकाल लेंगे साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कबाब फ्राई करके हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे चटनी। यहाँ पर मैंने 2 छोटे पीस ऑफ कोकोनट मतलब खोबरा लिया है, इसे हम अच्छे से काट कर मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम 8 से 9 लहसुन की डलियाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर और एक ग्रीन चिल्ली, इसे पीस कर लेंगे। थोड़ा पानी डालकर पीस लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीस कर हो चुकी है हमारी चटनी। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर आप देख सकते हो मेरे कबाब्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको एक कबाब तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना था कबाब। इसे चटनी में डीप करूँ या मायोनीज के साथ या टमाटो सॉस, जैसा आपको पसंद है आप इसे सर्व करके खा सकते हो।